अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं क्रोशी बर्ड से आपके साथ आज एक दफ़ा हाज़िर हूँ। आज मेरे पास एक बड़ी अच्छी डिफरेंट यूनिक सी एक चीज़ थी और मैंने अभी रिसेंटली इसको बनाया था, इसकी डिज़ाइनिंग की थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती दूँ। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने एक बड़ा प्यारा सा कलर कम्बिनेशन शोर हो रहा होगा क्रोशिए वर्क का। ये क्रोशिए की जैकेट मैंने बनाई है और इस पर बीड्स वगैरह पर्ल्स वगैरह ऐड किए हैं, और इसकी बॉटम जो है वो मैंने क्लॉथ के साथ अटैच की है, और बड़ा अच्छा सा इसका पाइपिंग एजिंग करके, इसको नीट करके बड़ा अच्छा सा एक फिनिशिंग लुक दिया है। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। ये बड़ा बेसिक सा मैंने इसकी जैकेट बनाई है, जिस तरह किसी भी फ्रॉक के लिए हम जैकेट बनाते हैं, किसी स्वेटर के लिए, किसी भी क्रोशिए के फ्रॉक स्वेटर के लिए हम लोग जैकेट बनाते हैं, उसी तरह से मैंने इसको बनाया है, बस अच्छा से अरेंज कर लिया है। तो मैंने सोचा मैं आज आपसे भी शेयर करती हूँ। बड़ा अच्छा ये ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा जी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास बड़ा ही खूबसूरत सा पिंक कलर है। मैं आपको ज़रा क्लोज करके भी दिखा देती हूँ। ये मेरी जैकेट है पिंक कलर में, लाइक दिस। और ये इसकी फ्रंट साइड है। इस पे यहाँ पे मैंने पिंक कलर के बीड्स ऐड किए हैं जो ट्रांसपेरेंट कलर में है। यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर के पर्ल्स ऐड किए हैं, और फिर थर्ड लेयर में मैंने फिर से एक जगह पे पिंक ट्रांसपेरेंट वाले बीड्स ऐड किए हैं। यहाँ पे मैंने इसमें रिबन ऐड किया है, और बॉटम की एजिंग मैंने की है फैन स्टिच से। और ये बेसिक बड़ा इजी सा, बड़ा सिंपल सा ये मैंने बनाया है। जिस तरह से 60 चेन्स के साथ हम नेक को स्टार्ट करते हैं, नेक लाइन को, उसी तरह से मैंने इसको यहाँ नेक से स्टार्ट किया है और बॉटम तक मैं इसको लेके गई। और बाद में मैंने इसकी एजिंग की थी नेक पे भी, आप देख सकते हैं। स्लीव्स के आगे आप देख सकते हैं मैंने एजिंग की है। और यहाँ पे फ्रॉक के बॉटम में, यानी मेरी जो जैकेट है इसके बॉटम में, मैंने यहाँ पे फैन स्टिच ऐड किया है। फैन स्टिच के लिए मैंने 5 डबल क्रोशिया ऐड किए हैं सेम स्पेस में, और नेक्स्ट स्टिच में मैंने क्या किया है, सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से फैन स्टिच बनाया है। और इसकी बॉटम है, ये आप देख सकते हैं, ऑर्गेन्जा क्लॉथ है। इसके नीचे लाइनिंग लगी हुई है, बड़ी अच्छी सी नीट सी लुक दे रही है। इसके नीचे लाइनिंग है। अगर किसी ने एक्स्ट्रा इसको लुक देनी हो तो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा लेयर्स ऐड की जाती हैं, जिनमें हम लोग इसको एक स्पेशल ज़्यादा लुक देने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे कस्टमर की डिमांड जो थी, उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको इसी शेप में, इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली बनाया है। और इसकी बैक अगर मैं आपको दिखाती जाऊँ, इसकी बैक की लुक आप देख सकते हैं, बड़ी अच्छी सी इसकी बैक की लुक है। और बैक पे मैंने यहाँ पे बटन्स ऐड किए हैं, यहाँ पे टू, ये मेरा ओपन था इसकी बैक, ताकि बेबी के लिए इजी हो इसको पहनना। ये आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी सी ओपन थी। इसके साथ मैंने टू बटन्स अटैच किए हैं, और इतनी आप देख सकते हैं इसकी लेंथ ओपन की। और यहाँ पे मैंने इसके साथ रिबन की नॉट बैक साइड पे बनाई है, ताकि मेरी फ्रंट की लुक और अच्छी साइड मतलब लुक दे, और बैक की मेरी थोड़ी डिफरेंट लुक दे। इसी तरह से आपके सामने ये बड़ा अच्छा सा ब्यूटीफुल सा नीट सा एक अमेजिंग सी क्रिएशन मैंने शेयर की है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बड़ा प्यारा सा, और इसकी मैं आपको ये भी बताती चलती हूँ कि ये कितनी एज की बेबी के लिए है। ये माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रीजनेबल सा एक साइज़ बनाया हुआ है। ये आराम से इजीली जैसे 6 to 12 months की बेबी को आएगी, यानी 6 month की बेबी को आप समझे थोड़ी बड़ी ही होगी। 9 to 12 ऑनवर्ड्स, 9 to 15 months की बेबी को बहुत अच्छा ये आएगा फ्रॉक। ये आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी इसकी लेंथ है, बड़ी अच्छी इसकी शेप है, और बड़ा ये अच्छा लुक दे रहा है। इसी तरह से मेरे पास एक और सेम ड्रेस है, और ये मेरे कस्टमर की चॉइस थी कि उनको ये चाहिए। एक चाहिए 1.5 ईयर बेबी गर्ल का, और एक चाहिए 1 ईयर बेबी गर्ल का। इसी तरह से ये मैंने 1.5 के लिए बनाया है। ये आप देख सकते हैं सेम एज इट इज़, जैसे मेरा प्रीवियस वाला मैंने आपसे शो किया उसी तरह से ये भी है। और इसकी जैकेट दोनों की सेम बिल्कुल शेप है, बिल्कुल सेम दोनों की शेप है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है सच, सेम एज इट इज़। यहाँ पे मैंने फैन स्टिच ऐड किया है, और इसके नीचे भी ऑर्गेन्जा और लाइनिंग ऐड की गई है। इसी तरह से इसकी भी बैक मैं आपको दिखाती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने टू बटन होल्स बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास इस तरह से टू लूप्स हैं।
और ये आपके सामने है, बड़ी अच्छी सी ये नीट सी लुक दे रहा है, ताकि बेबी के लिए पहनने के लिए बड़ा इजी सा रहे। अगर आप बटन होल्स ना ऐड करें तो फिर बेबी के लिए पहनना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मदर को ज़रा ट्राई करना पड़ता है, डिफ़िकल्ट होता है, बेबी भी कंफर्टेबल नहीं होता। तो अगर आप बैक या फ्रंट पे अगर बटन्स ऐड करें तो ज़्यादा बेटर है, और अगर आप नेक लाइन को ज़्यादा डीप कर देंगे तो बेबी को नेक पे हवा लगेगी और इसके अलावा वो इतना सूटेबल भी नहीं लगेगा। तो ये बड़ा अच्छा सा एक ना नीट सा लुक दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसकी एजिंग की है, इसी तरह से बीट्स वगैरह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये मेरे पास 1.5 ईयर की बेबी गर्ल का है और ये मेरे पास 6 to 12 month की बेबी गर्ल का है। ये आपके सामने दोनों मेरे पास मेरे डिज़ाइन शो हो रहे हैं, और अगर किसी ने मुझे ऑर्डर देना हो तो काइंडली आप मुझे इधर कमेंट करके कर सकते हैं ऑर्डर। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज पर जाएं, क्रोशे बर्ड्स के नेम से मेरा पेज है, आप वहाँ जाएं, वहाँ विज़िट करें, मेरा वर्क ज़रूर देखें और ऑर्डर करें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शो किया गया है, आप वहाँ पे भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको मेरा ये ड्रेस मेरा ये डिज़ाइनिंग पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखें, और इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।